हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू सेल्फ टीचर विद मन्नू। आप लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, जिसके अंदर आप लोगों को ये तो पता लग गया है कि कोमल ठकराल ने अपने पहले पति एंड अपनी बच्ची को छोड़ दिया था एंड फिलहाल उन्होंने दूसरी शादी की है, पर इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न अभी तक किसी को नहीं पता है। सो गाइस, वही रीज़न मैं आप लोग के सामने इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको पूरी तरीके से हैरान कर दे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एज वी ऑल नो कि कोमल ठकराल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्लॉगर पारस ठकराल की बहन हैं एंड सभी लोग उन्हें पारस की बहन के नाम से ही जानते हैं। एज वी ऑल नो गाइस कि काफ़ी लंबे टाइम से पारस एंड स्नेहा की डिवोर्स कंट्रोवर्सी चल रही है। दोनों ने एक दूसरे पर कई तरीके के एलिगेशंस लगाए थे। उस सब में हुआ ये कि कोमल की पास्ट लाइफ के बारे में भी सारी चीज़ें व्यूअर्स को पता लग गई। जी हाँ गाइस, स्नेहा के साथ साथ और भी काफ़ी सारे लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर कोमल ठकराल की पहली शादी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रूफ्स दिखाए, जिसके बाद ये चीज़ तो फाइनल हो गई कि आज से लगभग 5 से 6 साल पहले कोमल की शादी हुई थी पंकज नाम के एक पर्सन से, जिनको आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। पंकज बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड गाइस, जब इन लोगों की शादी हुई थी उस टाइम पर कोमल भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती थी, बिकॉज वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी। सो ये एक अरेंज मैरिज थी, जिसके बाद कोमल अपने इन लॉज के साथ शिफ्ट हो गई एंड गाइस, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही थी। 1-2 साल तक तो पंकज एंड कोमल की लाइफ जो थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथ थी। इसी बीच कोमल ने एक बच्ची को भी जन्म दिया, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है और इसका नाम जानवी रखा गया। हालांकि गाइस, इसी बीच एक और बात ये थी कि कोमल को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो पंकज की फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, काफ़ी सारी लड़ाई झगड़े इन लॉज में होना आम बात होती है। सो इस सब के कारण उनके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही थी। हालांकि पंकज ने कभी भी कोमल को चीट नहीं किया है एंड पंकज एक लॉयल पर्सन थे, इसी के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी थे। सो कोमल को बेसिकली पंकज के साथ में तो कोई भी इश्यूज नहीं थे, ज़्यादा करके इश्यूज गाइस फैमिली के साथ ही आ रहे थे। सो जब कोमल की बच्ची केवल 22 दिन की थी, उस टाइम पर कोमल ने पंकज से अलग होने का डिसीजन ले लिया। पहले तो डिवोर्स की बात सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए, पर इस पूरे डिसीजन में कोमल की फैमिली ने उनका पूरा सपोर्ट किया, जिसमें उनके पेरेंट्स के साथ साथ उनके भाई पारस भी शामिल थे। सो पारस एंड उनकी फैमिली का बेसिकली ये मानना था कि कोमल को किसी भी तरीके की चीज़ों को सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो शादी को नहीं निभा पा रही है तो उसके घर के दरवाजे हमेशा ही उसके लिए खुले हुए हैं, जिस कारण कोमल को इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ तो मिल चुकी थी कि वो किसी भी रीज़न के कारण पंकज एंड अपनी बच्ची को छोड़ सकती थी। तो उन्होंने सेम टू सेम गाइस वही किया, जिसके बाद गाइस उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। इसी बीच पारस बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गए, सारी ही फैमिली आए दिन ब्लॉग्स अपलोड करती थी। इस बीच किसी को भी कोमल की पहली शादी के बारे में भनक तक नहीं थी। अब मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ कोमल की बेटी का एक रिएक्शन। बड़ी मम्मी ने हमको पाला था। सो गाइस, इस टाइम पर बेसिकली ये बच्ची अपने फादर के साथ में एक यूट्यूब चैनल पर ब्लॉग्स अपलोड करती है एंड गाइस, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इन लोगों का चैनल। उसी के साथ साथ आज से लगभग 5 महीने पहले कोमल ने दूसरी शादी की है और ये एक लव मैरिज थी एंड वो अपनी शादी में बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। वहीं उनके फर्स्ट हस्बैंड पंकज आज भी सिंगल हैं एंड अपनी बच्ची की देखरेख कर रहे हैं। उनसे जब काफ़ी सारे मीडिया पोर्टल ने बातचीत करना चाही तो उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की कि वो किसी भी तरीके का कोई भी ब्लेम कोमल के ऊपर लगाना नहीं चाहते एंड उन्हें किसी भी तरीके की कोई शिकायत भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम जितनी ये शादी चलनी थी उतनी चल गई एंड इस टाइम पर वो कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहते जिस सबसे उनकी बेटी पर किसी तरीके का कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़े।
जब कोमल से भी काफी सारे लोगों ने तरह तरह के क्वेश्चंस किए, तो कोमल का गाइस बेसिकली यही कहना है कि उन्होंने आज से पहले कभी भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी बात नहीं की है सोशल मीडिया के ऊपर, और ना ही वो फ्यूचर में करेंगी। उनका मानना है कि वो सोशल मीडिया पर किसी को भी जवाब दे नहीं है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हैं, अपनी दूसरी शादी को अच्छे से रखना चाहती हैं, यही उनका फिलहाल एम है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, लव यू ऑल।